बचाने के लिए तम्बाकू नियंत्रण कानून 2003 कोटपा एक्ट बनाया गया। कोटपा एक्ट के जिले में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन होटल तान्या पैलेस में किया गया। आयोजित कार्यशाला के MPVHA के परियोजना समन्वयक बकुल शर्मा ने तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम 2003 व राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के प्रावधानों का प्रस्तुतिकरण किया। MPVHA गवर्निंग बोर्ड सदस्य रामजी शरण राय ने अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, पुलिस, यातायात, नगर पालिका, जनपद पंचायत प्रशासन के विभागीय समन्वय पर चर्चा करते हुए जिले भर में टीम भावनाओं से कार्य करने की बात कही। कार्यशाला में जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक व जिले में अधिनियम की स्थिति की समीक्षा करने हेतु प्रयास किए जाने पर सहमति बनी। प्रचार प्रसार व जागरूकता लाने हेतु गतिविधियों को किया जाएगा, साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन होने पर चालानी कार्यवाही की जाएगी। विद्यालय, वाहन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि सार्वजनिक स्थलों पर तम्बाकू मुक्त करने के प्रयास पर सहमति बनी। प्रतिभागियों के प्रश्न के सरलता से स्रोत समूह द्वारा समाधान किए गए। खबर लिखेगी प्रतिया से अनिल रजक की एक रिपोर्ट। जो कि अपने अपने स्तर पर अपने अपने संस्थान में अधिनियम के प्रावधानों को लागू कराने का प्रयास करेंगे और अगर अधिनियम का प्रावधानों का उल्लंघन होता है तो उसमें चालानी कार्रवाई कर लोगों को दंडित करने का भी प्रावधान करेंगे ताकि हमारा दतिया जिला धूम्रपान मुक्त हो सके और एक अच्छा जिले के नाम से जाने जा सके। शिक्षा विभाग की उनकी भूमिका के बारे में चर्चा की और उन लोगों की क्या क्या भूमिकाएं तमाम